नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फरवरी का फोर्थ वीक, यानी फरवरी का फोर्थ वीक का जो करेंट अफेयर है, जो कि एडिटोरिया बुक से रिलेटेड है, उसका हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। और उससे हम लोग रिलेटेड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इसमें बनता है उसको हम कवर करते चलेंगे। यानी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, NTPC हो, BPSC हो, बिहार दरोगा हो, इससे रिलेटेड सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2021 के है, उर्दू उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? इंग्लिश में दिया गया है, जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना कवर कर सकते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उर्दू से भाषा को किसे दिया गया, उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है, ठीक ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रभान ख्याल। किसको? चंद्रभान ख्याल को मिला है दोस्तों। चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको जानकारी लग सकते हैं, कौन से उपन्यास के लिए मिला है। तो हम लोग पढ़ेंगे चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को का प्रतिष्ठित पुरस्कार देने का घोषणा की गई है। चंद्रभान ख्याल जी को अनेक कविता संग्रह ताज़ा हवा की तबीसे के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने का घोषणा की गई है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर टू देखेंगे कि हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तो हाल ही में जो नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर है कौन सा सुमेलित है, तो इसको भी चर्चा करेंगे। करा व्यक्ति और संबंध क्षेत्र, देखिए ये व्यक्ति है और संबंध से क्षेत्र है, ये व्यक्ति जो है आई संबंध क्षेत्र किससे रिलेटेड है? तो तनिष्का कोटिया और रितिका, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर, जो कि गुरुग्राम से है। बी नंबर ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर, उपयुक्त में सब सभी, यानी कौन सी सही है? तो ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सभी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी जो है सही है। यानी हम लोग जानेंगे ऋषभ पंत जो है डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है, शाहरुख खान जो है थम्सअप कोका कोला के हैं, और एक जो है तनिष्क कोटी और रितिका के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मायने रख, देखिए ये फिगर भी दिया गया है जो कि आप इससे माइंड में कवर करेगा। देखिए थम्सअप के लिए प्रचार कर रहे हैं शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकालीन घोषणा किया है? तो यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है? तो देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनोमिया और बेलारूस। तो इसमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथुआनिया। लिथुआनिया क्या किया है कि रूस यूक्रेन पर रूस द्वारा हम
किए गए हमले में के बाद बाल्टिक देश के में अपने देश में आपातकालीन घोषणा किया गया है। लिथुआनिया, लिथुआनिया कहाँ है तो देखिए ये फिगर दर्शाया गया है यहाँ पर कि एशिया के जस्ट सटा हुआ भाग है लिथुआनिया, ठीक ना। अब आ जानेंगे लिथुआनिया के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने पड़ोसी देश बेलारूस में बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने के वजह से देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। यह आपातकाल 10 मार्च तक प्रभावित रहेगा। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है और लिथुआनिया की मुद्रा जो है यूरो, क्या है, यूरो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिश्वा का निधन हो गया। तो किस राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है हेमानंद बिश्वाल, जो कि जिनका निधन हो गया है, वह किस राज्य से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो यह जो है इस 4 ऑप्शन में से हम लोग को ढूंढना है, तो इस 4 का ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है उड़ीसा से रिलेटेड है दोस्तों, कौन सा, उड़ीसा से रिलेटेड, ठीक। अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री मंत्री हेमानंद बिश्वा का निधन हो गया। झारसुगुड़ा जिले के आदिवासी बिश्वा ने 1989 से 1990 और 99 से लेकर 2000 तक 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत किए गए और 2009 में उन्हें सुंदरगढ़ के सांसद चुने गए थे। क्लियर। यही है, देखिए यही है हेमानंद बिश्वाल जो है, ये इन्हीं का फिगर दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग शेपिंग जियोपॉलिटिकल एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है, तो अनिरुद्ध सूरी, शशि थारू, चेतन भगत और अरिहंत कश्यप। तो इस 4 ऑप्शन में से देखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी, अनिरुद्ध सूरी के मिला है। भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी द्वारा लिखित नई पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन के लिए लॉन्च किया है दोस्तों। यही बुक है जो कि अनिरुद्ध सूरी द्वारा शुरू किया गया है। 6 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, पद है और व्यक्ति है। सेबी के पहली महिला मुख्यमंत्री सेबी के पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बुच, और आईका आईके इंडिया के पहली महिला सीईओ कौन है, ये देखिए। और डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हैं चन्नी बंसी, और उपयोग में से सभी। तो इसमें से देखेंगे कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपयोग में से सभी, ठीक ना। सेबी की महिला प्रमुख बुच कौन है, माधवी पुरी जो है, और आईके इंडिया के पहली महिला सीईओ कौन है, सुजैन पुलवेर, और डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के है चन्नी चनीर चनीरा बंसी पुनपा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 7 नंबर।
भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो भारत के बाहर जो कहाँ करेगा ये भी ध्यान देना है, UAE, इजराइल, जापान और फ्रांस। तो चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से चूज कर सकते हैं कौन सा होगा। तो देखेंगे कौन सा। तो ये हो जाएगा UAE। कौन सा हो जाएगा? UAE में जो कि स्थापित किया गया है। भारत के बाहर कहाँ से IIT जो है अपनी पहली शाखा का स्थापित किया गया है? UAE में, ठीक ना। संयुक्त अमर अमीरात और भारत के बीच हस्तांतरित व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA के हिस्से के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के बाहर अरब अमीरात UAE ने अपनी शाखा स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली। चार ऑप्शन दो दिया गया दोस्तों, इसमें से आपको चूज करना है, ठीक। तो इसमें से हो जाएगा रोहित शर्मा। कौन सा हो जाएगा? रोहित शर्मा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने उन्होंने इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिन और भारत के विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। और श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 में यह रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल, ये भी पूछ सकता है किस स्टेडियम में, तो लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। और ये भी पूछ सकता है किनको किनको पछाड़ा गया है, तो ये देखिए न्यूजीलैंड के मार्टिन मार्टिन गुप्तिन को और भारत के विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तो को देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर है? तो उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा था, देहरादून जो किस नदी किनारे बसा है आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, गंगा, यमुना, गोमती और सतलज जो है, तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो ये भी देखेंगे, तो ये हो जाएगा यमुना नदी के, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में कौन सा नदी जो है, ये यमुना नदी। अब देखेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लखवार परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गांव के नज़दीक यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंची सीमेंट बांध बनेगा। लखवार और रेणु जी बांध परियोजना से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। लखवार प्रोजेक्टर से कुल 6 राज्यों को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा को पानी का लाभ मिलेगा। क्लियर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। तो सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला कौन बनी है? तो इसको देखेंगे कौन बनी है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऋचा घोष। कौन सा हो जाएगा? ऋचा घोष जो है नाम आया है दोस्तों, जो कि भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज शतक अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला बन गई। ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे ऋचा घोष भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों में वनडे सीरीज में चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों पर 50 रन अपना अर्धशतक पूरा करके रिकॉर्ड नाम अपने किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच में बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में भारत के किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है?
तो गार्जियन का किस राज्य किस देश के तहत किया जा रहा है, तो ये भी जानकारी होंगे, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कौन, सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान, जो कि गार्जियन जो है जापान के, जापान से, जापान देश से है। तो क्या करेंगे, जापान को मारेंगे। भारत जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2020 के बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत के तरफ से 15वीं बटालियन मराठा लाइट इन्फेक्ट्री रेजिमेंट और जापान के तरफ से जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग ले रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, भारत का पहला ईस्ट वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो गुजरात, कहाँ, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। तो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, जो कि ये दिल्ली जो है राजधानी दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से बढ़ते ई वेस्ट और दिल्ली फिल्म नीति 2022 को तैयार करने के लिए नई दिल्ली में देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है, जो कि 20 एकड़ में फैला है। ये रोजाना निकालने वाले 2 लाख टन ई कचरों का निपटारा किया जा सकता है, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 43, ठीक ना। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है 43 है। पहला स्थान पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरा जो है जापान में है, ठीक ना। जो कि कुल देश जी कितना है, 55 है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि भारत को 22 में भारत को 55 देशों में से सूची में 43 प्राप्त हुआ है, 43 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, फरवरी फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो मीराबाई चानू, स्वाति सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी, मनु भाकर। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों मीराबाई जो है चानू का हो जाएगा। मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर में भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ ही बकिंगम में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रमंडल खेलो 2022 के लिए उन्हें क्वालिफाई कर दिया गया। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता था, यानी 2020 में जो हुआ था उसमें सिल्वर मिला है और इसमें जो है गोल्ड मिला है दोस्तों, स्वर्ण। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन को, यूक्रेन से भारतीय नागरिक को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन की शुरू किया गया, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र यमुना या यूक्रेन। तो ऑपरेशन गंगा जो है इसी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा, ठीक ना। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उसके तहत तो उनको लाया गया। तो भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक निकासी मिशन का शुरुआत की गई है, जो कि 26 जनवरी 2022 को शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 1,000 से अधिक भारतीयों को रोमानिया, पोलैंड और हंगरी के से बाहर निकाला गया। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कि युवा, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो अभी कौन है, वोलोडिमिर जेलेंस्की,
और यूक्रेन की मुद्रा क्या है? यूनियाई, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन जो कि CGOPV परियोजना का पांचवा और अंतिम पोत पर वितरित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो चार नाम दिया गया है दोस्तों, ICGS सक्षम, ICG ध्रुव, ICGS सिद्धार्थ और ICGS संध्यापक। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि CGS सक्षम, ICGS सक्षम। भारत की गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 कोस्ट गार्ड ऑफ शेर पेट्रोल व्हीकल CGOPV परियोजना का पांचवा और अंतिम पोत भारतीय तटरक्षक बल को वितरित किया गया। इस पोत का नाम है ICGS सक्षम रखा गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर, ग्रेविट्स फाउंडेशन के URJA अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर्स अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? दिलीप कुरियर, योन पूनावाला, आदर पूनावाला, आदेश चंद्र। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी योन पूनावाला, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 18 नंबर, हाल ही में खगोलविद द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया? तो अभी जो हाल ही में खगोलविद द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का क्या नाम है? तो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका नाम है एल्क्यूनस, ठीक ना। हाल ही में खगोलविदों ने अब तक के सबसे बड़ी बड़ी रेडियो आकाशगंगा की खोज की गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह गैलेक्सी हमारे स्पेस के वैक्यूम में लगभग 16 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। नई आकाशगंगा हमारी पृथ्वी के करीब 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इस आकाशगंगा का नाम अल्सियोसन रखा गया है, जो ओरोनोस के बेटे का नाम था। ओरोनोस यूनानी पारंपरिक कथाओं में एक देवता के रूप में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर, बहुपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास मिलन 2022 के आयोजन कहाँ की गई है? चेन्नई, बंगाल की खाड़ी, विशाखापट्टनम, और बी और सी दोनों। तो बिल्कुल तो ये हो जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, जो कि पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी में और विशाखापट्टनम में, यानी दोनों से ये दोनों जगह किया गया है। यानी कौन से बहुपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास मिलन 2022 का, ठीक ना। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देख लें, 20 नंबर, रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये जो हो जाएगा मैगलस कार्नस जो थे, ये भारत के 16 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में
दुनिया के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन नार्वे के जो थे, जो कि हरा कर इतिहास रच दिया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? किसान मोबाइल ऐप जो है किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। ये चार चार दिया गया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड, ठीक ना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने भारतीय किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसान कृषि मौसम संबंधी परामर्श सेवा प्रदान की जाएगी, ठीक ना। 22 को देखें क्वेश्चन को। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में प्रशिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में यह छात्रों के लिए शिक्षा का प्रारंभ किया गया है। ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम जो है, यह जो है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्टार्ट किया गया है। पश्चिम बंगाल के सरकार ने खुले में कक्षा की शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए कक्षा 5 तक के प्राथमिक छात्रों को लक्षित करने वाले पड़ोस में एक समुदाय आधारित स्कूली शिक्षा का प्रयास पर शिक्षा शुरू करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन छात्रों के एक बड़े वर्ग को वापस लाना है जो पिछले 2 वर्षों में महामारी के बाद स्कूलों के बंद होने के कारण औपचारिक शिक्षा की प्रणाली से बाहर आए हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था द्वारा व्यापक अभियान ऑपरेशन आहट का शुरुआत किया गया है? SSB, ITBP, RPF और CRPF। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? RPF, RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा यह अभियान चलाया गया है जिसका नाम है आहट। आहट बार बार एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। तो आहट एक ऑपरेशन अभियान जो है, जो कि RPF द्वारा शुरू किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई। ऑपरेशन आहट के हिस्से के रूप में पीड़ितों को बचाने के लिए सभी लंबी दूरी के मार्गों पर विशेष टीम तैनात किया गया है जाएगा। इस टीम के विशेष रूप से तस्करों, महिलाओं को, बच्चों को ध्यान केंद्रित करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर का रहेगा, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशन समिट का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो कौन सा है? तो ये फ्रांस द्वारा ये किया गया है। कौन सा? ए वन ओशन समिट, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा चर्चा ले लेंगे। ब्रेस्ट में विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से फ्रांस द्वारा 9 फरवरी से 11 फरवरी 2022 तक वन ओशन समिट विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वच्छ और सतत समुद्री परिस्थितियों के तंत्र के समस्त समर्थन और संरक्षण के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना के शुरुआत किया गया है गुजरात, असम, मेघालय और मिजोरम। तो इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम जो है यह क्या किया गया, प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट सद्भावना का शुरुआत जो है आसाम जो किया गया है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा में पढ़ेंगे। असम सरकार ने सद्भावना नामक एक प्रोजेक्ट की शुरुआत किया जिसके तहत राज्य सचिवालय में लंबित पड़ी फाइलों को निपटाना किया जाएगा। प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत राज्य सरकार सचिवालय में पड़ी लगभग 4 से 5 लाख फाइलों का निपटारा 1 साल के भीतर करेगी। ठीक ना, तो दोस्तों तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पर लास्ट होता है। तो चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और स्टडी से रिलेटेड इस पर हर एक सामग्री आपके उपलब्ध रहता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।